आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का पराठा, जिसमें आधा किलो ये आलू है उबला हुआ। मैंने इसको पहले से उबाल ली और छील ली हूँ। अब इसमें मसाले ऐड करने के लिए, इधर थोड़ा सा सिंगदाने की चटनी है टेस्ट के लिए, घर का पिसा हुआ है, और 1 चम्मच भर के बुक की मिर्ची है, और 1 चम्मच काली मिर्च जीरा पिसा हुआ है, छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है, और 1 घाटी मसाला आता है, इससे बहुत टेस्टी खाना बनता है, ये भी इसमें ऐड होगा, और ये 1.5 चम्मच नमक है भर के। अब इधर ये नमक है थोड़ा सा, ये आटे में जाएगा गूंदने में, और इतना अजवाइन है ये भी आटे में जाएगा, और इधर इधर 1 चम्मच भर के राई है, और 1 छोटा चम्मच ये जीरा है, ये करी पत्ता है, ये सब भूज करके आलू में ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। और इधर 3 कांधा है, बड़ा बड़ा कांधा है, इसको बारीक हम काटेंगे अभी, और 5 हरी मिर्ची है, ये भी बारीक काटेंगे, और इधर अमूल का ये बटर है, ये भी ऐड होगा आलू पराठे में। और इधर है, ये भी ऐड होगा, इसको बारीक काटना बाकी है, अभी सब बारीक काटेंगे सब ऐड करने के लिए। और आटे में इधर ये आधा किलो आटा है कम से कम। अब इसमें हम ये जो नमक है और ये अजवाइन है, इसमें हम मिला देंगे, दोनों चीज़ ऐसे मिला देंगे, इसको कुछ करना नहीं, भूनना नहीं। और इधर तेल है, तो इसमें हम थोड़ा 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे, थोड़ा तेल से क्या है आटा नरम होगा और पराठा खाने में टेस्टी होगा, इसके लिए हो गया। अब इधर रह गया ये सब, तो ये सब जो भी सामान है काटने वाला, इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे चौका पर। फिलहाल जब तक ये इतना मसाला है, मसाला मैं आलू में ऐड कर देती हूँ। धनिया काट के हो गया, अब इधर ये कांधा है, कांधा काट लेंगे बारीक बारीक, मशीन से नहीं निकालना है, इसको ऐसे काटना है चाकू से, यह ज़्यादा टेस्ट लगता खाने में, इसके लिए इस तरह काट लेंगे। है काट के ऐड कर लेना इसमें आलू में, और मिक्स करना अच्छे से। मिर्ची इस तरह से काट लेना है, सब काट करके हो गया। और इधर ये थोड़ा इसको तवे में भूनना है, तो इसको हम बाद में भून के इसमें ऐड करेंगे, जब तक हम फिलहाल इसको मिला लेंगे, और आटा भी सानना है तो इसको मिला के बता देती हूँ। आज हम अलग टाइप से बनाएंगे आलू पराठा, इस तरह से मिला लेना है अच्छे से, मिक्स कर लेना है। और अभी हम आटा भी सान लेंगे यहीं पर, गर्म करके अच्छे से सान लेना है, अच्छे से तो अच्छा रहेगा, काजू पाउडर का टेस्ट रहेगा।
देखिए आटा, देखिए इस तरह से आटा सान लेना है अच्छे से नरम करके। आटा सान के 15 मिनट के लिए आटा को रख देना है, उसके बाद में आलू का पराठा बनने वाला है। आटा सान के हो गया, अभी हम 15 मिनट के बाद में हम पराठा बनाएंगे। तब तक इस तरह से ऐसा नीचे की तरफ आटा लगा के ऐसा रख दीजिए, आटा सेफ रहेगा, अच्छा रहेगा। अब ये देखिए तवा मैंने चढ़ा दी हूँ और इसमें भुनना है इसको। कभी पत्ता है, राई है और जीरा है, इसको थोड़ा भून लेना है। इसमें चाहे तो थोड़ा सा आप तेल भी ऐड कर सकते हैं भूनने के लिए, नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है तेल ऐड करना। हो गया चूल्हा बंद कर देंगे, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। बनाते समय थोड़ा और मिला लेंगे इसको, तब बनाएंगे, अभी थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तैयार हो गया, अब मैं आलू पराठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ, बना रही हूँ। अब सबसे पहले लोई बनाना है, आज ज़्यादा बड़ा लोई नहीं बनाना है, मीडियम बनाना है, क्योंकि आज अलग तरीके से बना रही हूँ आलू पराठा। इसके लिए आज एक पराठे में 2 रोटी जाएगा। आज इसी तरह से सभी लोई बना लेना है, मीडियम साइज का, ज़्यादा बड़ा नहीं ज़्यादा छोटा नहीं। अभी देखिए ये मैंने 8 लोई बनाई हूँ, इसमें 4 पराठे बनेंगे 8 लोई में। अब इधर ये जो है मसाला है, बटाटा है, इसको थोड़ा हम और मिक्स कर लेंगे। जो भी लोई बने हैं ना, ये सबकी रोटी बेल करके पहले से रख लेना है, उसके बाद में पराठा बनाना है, तो आसानी रहेगी बनाने में, टेंशन नहीं होगा। इस तरह से रख लेना है सब रोटी बेल करके, कपड़े पर इस तरह से रोटी बेल करके रख लेना है। अब ये देखिए सभी रोटी बेल के हो गया। अब हम सबसे पहले सभी रोटी बेल ली मैंने, अब इसमें सबसे पहले थोड़ा हम तेल लगाएंगे हल्का हल्का।
इसमें आप चाहे तो टमेटो सॉस लगा के भी पराठा बना सकते हैं, और भी बेहतर बनेगा अगर घर में है तो। अब ये तेल लगा के हो गया, अब इसके ऊपर हम ये बटाटा ऐड करेंगे। आज थोड़ा हटके बना रहे हैं, अलग टाइप से आलू का पराठा। आलू का लगा देना है नीचे की तरफ, इसको बराबर कर लेना है आलू से। और उसके बाद में इतना ही रखना है आलू। उसके बाद में हम एक रोटी यहाँ से लेंगे, उठाएंगे और रोटी से इसको हम ढक देंगे इस तरह से आलू के पराठे के लिए। इधर थोड़ा सा आटा हाथ में लगाएंगे और इस तरह से एक करंजी के शेप में बन जाएगा, मतलब जिस तरह से करंजी बनाते हैं ना उस तरह से बन जाएगा, बेहतर बनेगा माशाल्लाह से। बेलन से थोड़ा सा ही कर लेंगे हल्का हल्का। अब ये कटर है, ये कटर से थोड़ा हम साइड से काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से काट लेना है। और सभी पराठे आज हम पहले बना लेंगे इस तरह से, उसके बाद में लास्ट में पकाएंगे। अब दूसरा पराठा है तो इसे भी इस तरह से रख लेना है, और इस पर एक लेयर तेल लगा देना है हल्का सा। इसी तरह से सभी पराठे बना लीजिएगा और लास्ट में सेक लेना है। बना के रख लेने से आसानी हो जाएगी बनाते समय, टेंशन नहीं होगा इसके लिए, बेहतर है पहले बना लेना। ये देखिए हो गया। देखिए इस तरह से चारों तरफ से इसको थोड़ा दबा देना पहले से, और उसके बाद में ये कटर है, कटर से काट लेना है। इस तरह से सभी पराठा बना लीजिए और रख लीजिए। अब ये देखिए चार पराठे मैंने बनाई हूँ, बना करके बताई आज की रेसिपी, मतलब आलू के पराठे हैं, चार पराठे बन के हो गए तैयार। इसको सेकना बाकी है, आप भी इसी तरह से बना लीजिएगा और अपने फैमिली के हिसाब से बना लीजिएगा। मैंने चार पराठे सिर्फ बनाई हूँ। ये तवा है, तवे को अच्छे से पहले से साफ कर लेना है। इसमें हम पहले थोड़ा तेल लगा देंगे अच्छे से। तेल लगा करके अब हम चूल्हा जला देंगे, चूल्हा फास्ट रखना है, तवे को अच्छे गर्म होने देना है, उसके बाद में पराठा बनाना है। अब ये देखिए तवा गर्म हो गया, अब इसमें हम पराठा ऐड कर देंगे, आलू का पराठा, और थोड़ा तेल हम और ऐड करेंगे। और ये पंजाबी डिश है आलू का पराठा, उनकी पसंद है। इस तरह से पका लेना है। इस तरह से सेक लेना अच्छे से, सेक लीजिए। है मेरे पास ये बटर है,
थोड़ा बटर भी इसमें ऐड करेंगे। देखिए माशाल्लाह खुशबू तो अच्छी आ रही है। आप भी बनाइए, खाइए, ट्राई कीजिए थोड़ा सा बना करके फैमिली के साथ। अच्छा सेक लेना है, ठीक है, गरम कलर का। अभी देखिए पराठा बनके तैयार, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरा वाला भी उसी तरह से पका लेना है। पराठा है तो पराठा में थोड़ा ज़्यादा तेल लगता है, इसे अच्छा लगता है थोड़ा खाने में। इसी तरह सभी पराठे बना लेने हैं। दोनों तरफ से ब्राउन कलर का होने तक का सेक लेना है अच्छे से। सभी पराठे इसी तरह से बना लेना है। ये देखिए सभी पराठे बनके हो गए तैयार। अब ये बटर है थोड़ा सा, बटर इसको ऐड कर देंगे। पंजाबी डिश बनके हो गया तैयार, आलू का पराठा। अब इसे हम निकाल लेंगे और थोड़ा सजा लेंगे। अचार है और दही है पराठे के साथ। अब ये देखिए आलू का पराठा बनके हो गया तैयार। अगर आप सबको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।